नगर निगम ऑडिटोरियम पंजरी प्लॉट में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की ओर से नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से उदयपुर में राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय नेतागण उपस्थित रहे। इस शिविर की तर्ज पर देश के सभी प्रांतों और जिलों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रायगढ़ में भी नव संकल्प शिविर का आयोजन हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिविर का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है और कांग्रेस की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाना है। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष अरुण मालाकार ने बताया कि भाजपा धर्म और जाति की राजनीति करती है। इस शिविर के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस सरकार विभिन्न जनहित योजनाओं को देश भर में प्रसारित करना चाहती है। इस शिविर में लेलुंगा विधायक चक्रधर सिंह सिदार, धर्मजय गढ़ विधायक लालजीत सिंह राठिया, सारगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष अरुण मालाकार सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी और भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। संकल्प शिविर के बहाने किस तरह संगठन को मजबूत की करने की कोशिश की जा रही है? हम रायपुर में भी नव संकल्प शिविर हमारे मार्गदर्शन पर हुए थे। उसके आज मार्गदर्शन पर हमारे रायगढ़ जिले में यहाँ हम कांग्रेस के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं और आज हम कांग्रेस के जो आगे क्या किए हैं हमारे कांग्रेस सरकार ने उसको हम जन जन तक पहुँचाएंगे। और अरे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं प्रदेश में। आप लोग देखिए, किसान के माध्यम से हो, चाहे रोजगार से हो, चाहे महिला से हो, चाहे युवा समिति से हो, आज हमारे सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसे हम सभी जन जन तक पहुंचाएंगे। आप देखिए, भाजपा के जो प्रधानमंत्री है वह आज पूरे देश को बेच खा जा रहे हैं। आज आप भी देख लीजिए, डीजल पेट्रोल के दाम इतना महंगाई बढ़ा दिए हैं, साथ साथ खाने पीने का राशन सामान तेल इतना महंगाई बढ़ा दिए हैं। तो मोदी जी इतना लापरवाही करते जा रहे हैं और हमारी कांग्रेस सरकार जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आज हमारे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन पर हम कांग्रेस हर विधानसभा पद यात्रा करेंगे और सभी का जन जन तक संदेश पहुँचाएंगे। संगठन को किस तरह से मजबूत करने की बात किया है, कहीं विधानसभा चुनाव की तारीख में नहीं? अपन जो किसान है, हमारी सरकार जो बोल रही है कैसे हमारे किसानों का, हर गांव का संदेश देना है कि हमारे सरकार क्या कर रही है, हमारे इंदिरा गांधी जी ने क्या किए हैं। और अभी देख लीजिए, अभी भाजपा जो मोदी है वो क्या कर रहे हैं, उसको बस आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग संदेश दे रहे हैं कि गांव गांव में क्या करना चाहिए और लोग को आपको क्या समझाना चाहिए। आज नव संकल्प है, अभी तक हमने जो पुराने अधिवेशन या जो भी शिविर चिंतन शिविर होते थे और उसके आधार पे हमारा निर्णय होता था। आज उदयपुर के बाद रायपुर में 1 जून 2 जून को BCC स्तर पे, उसके बाद जिला स्तर में संकल्प नव संकल्प शिविर का आयोजन किया है। नव संकल्प तो नया संकल्प, कुछ नया हम देखें कि जिस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, हम सभी वर्गों के लिए हम हित में न्याय कर रहे हैं। उनको बहुत सारी योजनाएं उनके लिए हम लाए हैं। तो देखेंगे देश में कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर होती जा रही है या कमजोर हो रही है। चुनाव के समय में भाजपा का ये छठ में राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ऐसा करके वोटों का ध्रुवीकरण करती है। तो कहीं ना कहीं हम चिंतन कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर में, प्रदेश स्तर में, जिला स्तर में चिंतन करने का विचार हुआ और पूरे जो बूथ से, सेक्टर से, जोन से, ब्लॉक से सभी विधायक और कार्यकर्ता का उपस्थित हुए और हम आज दिन भर हम चिंता करेंगे कि कांग्रेस देश में कहाँ जा रही है। छत्तीसगढ़ बहुत मजबूत है, छत्तीसगढ़ में सबके लिए हम न्याय कर रहे हैं, सबके सब वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं जो छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है वो पूरे देश तक वो बात जाए और पूरे देश में कांग्रेस मजबूत हो। आप सब जानते हैं भाजपा विकास काम से वोट मांगती नहीं है, हिंदू मुस्लिम या लोगों को भड़का के। आप हम अभी 9 अगस्त से 14 अगस्त तक भारत जोड़ो अभियान का
कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें हर विधानसभा में 75 दिनों चल के हर दिन तीन तीन हर विधानसभा में तीन तीन सभा रखेंगे। उसमें बताएंगे हम लोगों को कि भाजपा जिस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो का नारा दिया था, हम 9 तारीख से 14 तारीख तक पूरे प्रदेश में पूरे देश में भारत जोड़ो का अभियान छेड़ेंगे और लोगों को समझाएंगे कि भाजपा की नीति क्या है, भाजपा देश को तोड़ना चाहती है और कांग्रेस जो आज़ादी में कांग्रेस पार्टी के नेता लोग सहायक रहे हैं जिनके योगदान से आज देश आज़ाद हुआ है, भारत जोड़ने का काम लगातार हम 70 मतलब कार्यकर्ताओं को तरह से रिचार्ज किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जा रहा है भाजपा की नीति के खिलाफ जो उनका नीति है देश तोड़ूंगा उसके खिलाफ लोगों तक जनता तक सूचना देना उन तक प्रचार प्रसार करने का एक कार्यक्रम तय किया जा रहा है, लोगों को असलियत बताने का कार्यक्रम हर दिन बसवीर में तक और बहुत सारी बातें किसी के मन में सत्ता संगठन के बारे में कुछ चर्चा हो हम देश में जो हमारे कांग्रेस के इतिहास है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे सभी विषय पर हर दिन भर हम पूरा कांग्रेस परिवार मिल बैठ के साथ में नाश्ता किए साथ में भोजन करेंगे शाम को फिर चाय पियेंगे और पूरा परिवार आज चिंतन शिविर के पीछे उद्देश्य क्या है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से राजस्थान के उदयपुर में 9 संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, उसमें जो है ये निर्णय लिया गया कि पूरे देश में जो है सभी प्रांतों में 9 संकल्प शिविर का आयोजन किया जाए जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में 1 और 2 जून को आयोजित किया गया था जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार आज जिला कांग्रेस कमेटी में भी 9 संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हमारे कांग्रेस के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार है वो जो है बहुत अच्छा काम कर रही है उसी तरह हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि कांग्रेस जो है हमेशा देश के लिए जो काम की है अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी उन्होंने जो है 1942 में अंग्रेजों को एक नारा दिया था भारत छोड़ो का, आज जो है हमारी कांग्रेस पार्टी एक नारा दे रही है कि जो है भारत छोड़ो का, जिस तरह से बीजेपी जो है जातिवाद धर्म के नाम पर जो है देश को बांटने की बात करती है और विभाजन कर रही है इससे जो है हमारी कांग्रेस पार्टी जो है भारत जोड़ो का नारा लेकर पूरे देश में जो है जा रही है पदयात्रा कर रही है, जिस तरह आप लोग सभी देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी जी खाली कांग्रेस ने जो कुछ भी बनाया है चाहे वो यातायात के साधन हो चाहे हवाई मार्ग हो चाहे इंडस्ट्रियल्स हो जिससे जो है बहुत से देशवासियों को रोजगार मिल रहा था उनको निजीकरण जो है किया जा रहा है, आज हमारे इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया आज सबकी आमदनी बढ़ी आय बढ़ी कृषि किसान लोग समृद्ध हुए आज जो है, तो ये किसी तरह देश को बीजेपी के तोड़ने की जो साजिश हो रही है इसको जो है हमारी कांग्रेस पार्टी तोड़ने के लिए प्रत्येक प्रदेश स्तर पर जो है और जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर जो है संघर्ष कर रही है।